इतना टेक्निकल और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके आधार पर हीरो के फिलहाल 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। अलग अलग ये क्षेत्र के अपराधी हैं और एक लंबा चौड़ा गिरोह है, लगभग 15-20 लोगों का ये गिरोह है जिसमें फिलहाल 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, बाकी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मुजफ्फरपुर से अभी अभी एक बड़ी घटना निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से अपराध की घटना लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसी बीच आपको बता दें कि बाइक चोरी की घटना भी मुजफ्फरपुर में लगातार देखी जा रही थी। इसी बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 अपराधी को 9 बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना है क्या। दरअसल हाल के दिनों में जिले में बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस विशेष नजर बनाई हुई थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 5 से 6 संख्या में अपराधी बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और सिवाय पट्टी थाना क्षेत्र में एक गैरेज में बाइक को छुपाकर नंबर प्लेट बदलकर उसे बेच देते हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों के निर्देश पर टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने 4 अपराधी को 9 बाइक के साथ गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी मिली है। गिरफ्तार में अपराधियों का नाम शंभू कुमार, रूपेश कुमार, मोहम्मद हसीबुल अंसारी और दिनेश कुमार है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर DSP मनोज पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला में विशेष रूप से पूर्वी अनुमंडल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में बाइक चोरी की घटनाओं में कुछ वृद्धि देखी गई थी। हम लोगों ने टेक्निकल और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके आधार पर इस ग्रुप पर इस जो आपराधिक गिरोह था उस पर काम करना शुरू किया। इस क्रम में हम लोगों को इस तथ्य की जानकारी हुई कि एक गिरोह है जो बाइक चोरी में इन्वॉल्व है और इस गिरोह के फिलहाल 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। 9 चोरी की बाइक जब्त हुई है, तो कुल 9 बाइक जब्त हुई है, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इस प्रकार बाइक चोरी के जो एक बड़ा गिरोह है उसको उद्भेदन करने में मुजफ्फरपुर पुलिस को सफलता हाथ मिली है। ये लोग बाइक यहाँ से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करते थे, जैसा कि ये बता रहे हैं, और उसको फिर अपने बाइक जो बाइक चोरी करते थे उनको नेपाल में बेचते थे। किस इलाके में सक्रिय थे? विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में जो पूर्वी अनुमंडल के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर इनकी एक्टिविटी बढ़ी है। कई केसेस में इन लोगों ने बाइक चोरी किया है और उस बाइक को हम लोगों ने जब्त किया है, रिकवर किया है। अलग अलग ये क्षेत्र के अपराधी हैं और एक लंबा चौड़ा गिरोह है, लगभग 15-20 लोगों का ये गिरोह है जिसमें फिलहाल 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, बाकी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की जांच चल रही है और जल्द ही छापेमारी कर हम बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।